कैप्सिकम रिंग्स बनाएंगे। अभी हम चौमासा में बना रहे हैं तो एक कप गेहूं का आटा लेंगे, वरना आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो। फिर 3/4 कप बेसन लेंगे, बेसन के बदले हम चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो। फिर सब मसाले डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्ची, दाना जीरा पाउडर और हिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर ना किया हो तो अभी तक। शक्कर डालेंगे 1 चम्मच, 1/4 स्पून अजवाइन लेंगे, उसे इस तरह हाथों से क्रश कर लेंगे ताकि अजवाइन का टेस्ट अच्छा है। नमक डालेंगे और नींबू डालेंगे 1/4 स्पून। फिर 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे बैटर में कोई लम्स ना रहे। फिर हम बैटर को 5 मिनट रेस्ट करने रख देंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। फिर हम कैप्सिकम को राउंड शेप में कट कर लेंगे, रिंग शेप में। फिर एक कढ़ाई में हम तेल गरम करने रख देंगे। तेल गरम हो चुका है कि नहीं हम चेक कर लेंगे। तेल गरम होते ही हम कैप्सिकम को बैटर में डिप कर लेंगे। हम सारे कैप्सिकम को इस तरह से डिप कर लेंगे अच्छे से और अब हम उसे फ्राई कर लेंगे। हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है कैप्सिकम को। हम सारे कैप्सिकम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। हमें दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह से फिर हम लास्ट में एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे कैप्सिकम रिंग से और उसे हम तुरंत ही सर्व कर लेंगे। ऊपर हम चाट मसाला डालेंगे और टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे।